YouTube गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक और न्यू PUBG मोबाइल का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो जो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस, आज के वाला जो गेम प्ले यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने लैंड करा था जॉर्जिया पोल पे और यहां पर उतरते ही हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गन मिलने वाला है, जिस गन का नाम है SKS। तो SKS से हम यहां पर पहले पांच बंदे निपटाएंगे जिन पर अच्छी अच्छी गन थी, फिर जाकर हमें उनसे कोई ढंग की गन मिलेगी। तो गेम प्ले पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हमें मिलने वाला है AWM प्लस M249 कॉम्बिनेशन। तो बहुत खतरनाक गेम प्ले होने वाला है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, एम करते हैं 8000 लाइक करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग लाइक कर दोगे। तो अभी हम उतर चुके हैं कंटेनर पे, और लो भैया हमें मिल जाएगी SKS और निपटा देंगे बंदे। तो भैया दो लोग की तो मैंने यहाँ पर लंका लगा दी। अब मेरे को इतना तो पता था भैया इस स्क्वाड की हालत डाउन है, मतलब कि खत्म सी है। तो अभी हमें सीधा पुश करना है, और मेरे को इतना ये नहीं है कि भैया मेरे पे SKS है, मुझे डरना चाहिए ना भाई ना, क्योंकि SKS का क्या सीन है, सामने वाले बंदे को बस इतना सोच के जाओ कि तीन गोली मारनी है कैसे भी करके। तो यहां पर इस वाली स्क्वाड की भी तुम्हारे भाई ने हालत टाइट कर दी है SKS से। तो मेरे को तो पता था ये वाली स्क्वाड मेरे से डर चुकी है, तो यही टाइम है इनके घुस के दे रैप्टे पे रैप्टे। तो भाई साहब इस लोंडे ने तो पूरा पूरा दिमाग लगा दिया था, बट यहाँ पर मेरे को पता लग गया था कि लेफ्ट फ्लैंक कर रहा है, और इजीली मैंने इसको भी बेचारे को बड़ा ही गंदा वाला मारा। मतलब SKS के अगर तुम तीन गोली बंदे के हेड पे मार दो तो खत्म है वो, चाहे लेवल 10 का हेलमेट लेकर आ रहा हो। नहीं, शायद ज्यादा बोल, लेवल 10 तो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो पीछे की तरफ एक बोट दिखा, तो यहाँ पर मैंने उस बोट को मार दिया। अब उसके बाद भैया ट्रिपल वेयर उसकी तरफ फाइट चला, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, पुश करके सबको निपटाएंगे। भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, और जो लोग भी जायरो खेलते हैं उनको पता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी वो लोग खेलते हैं तो यार मतलब हाथ कांपते हैं, और फोन की स्क्रीन यार पूरी की पूरी हिलते रहते हैं, तो निशान लगाने में बहुत दिक्कत होती है। अब वहीं पर अगर हम कंबल में बैठ के खेले तो हाथ से पसीना आता है और फोन की स्क्रीन गीली हो जाती है। तो भैया बंदा करे क्या, मतलब कि क्या सीन है, क्या जुगाड़ है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो भैया मेरे पास तो एक जुगाड़ है, गर्मी जी जल्दी से वापस आ जाइए। तो यहाँ पर बातों ही बातों में सामने से एक बंदा और आ गया, और उसकी भी मुंडी तोड़ दी। अब इस बंदे को तो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया, मेरे को पता था इसका टीममेट आ गई वाला है वेयर हाउस में बैठा हुआ, तो उसे भी फोड़ेंगे चल के। तो यहाँ पर वाला बंदा भी नॉकडाउन हुआ था, यानी कि ओल्ड डेड नहीं हुए थे, तभी थोड़ी देर में मुझे इसका टीममेट भी दिख जाएगा। भाई बंदा कतई जहरीली कैंपिंग कर रहा था, तो यहाँ पर हमने इस बंदे को भी निपटा दिया। अब पीछे तभी यार मतलब कि यार बोट अपना आपस में लड़ने लग गया, तो मैंने कहा चलो भैया फ्री किल्स आ गए, जल्दी जल्दी चल के बटोर लेते हैं। अब भाई यहाँ पर मैंने इन सबको निपटा दिया, मैंने कहा भैया हल्का फुल्का लूटते, ज़्यादा फालतू नहीं लूटेंगे, क्योंकि बंदे ठीक ठाक लाइव हैं, हम ज़्यादा किल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा भागते हुए आ गया गाड़ी लेने, तभी मुझे राइट में एक बंदा दिख गया जो कि गाड़ी लेने आ रहा था, और उसको गदारी वाला निपटा दिया।
मतलब क्या यार, इस बेचारा बंदा कितनी उम्मीद से आ रहा होगा, सामने गाड़ी खड़ी है, चलेंगे आराम से, ड्रॉप ड्रॉप लूटेंगे, और वहीं अगले पल में उसके M4 का स्प्रे पड़ गया। मतलब कितना बुरा लगता होगा। अब मैं सीधा अपनी US लेकर जा रहा था रोजोक पर, तभी एक बंदा भैया बिना रेड लाइट के रोड क्रॉस करता हुआ दिखा, तो बच गया कटते कटते, वरना तो अभी आ ही जाता है गाड़ी के नीचे। तो मुझे पता था इसके टीममेट भी यहाँ पर आसपास हो सकते हैं, तो मैंने कहा देखा भैया पूरी की पूरी वाटर सिटी लूटेड है, एक एक घर के गेट खुले हुए हैं, तो मेरे को पता था ये पूरा लूट चुके हैं, यहीं कहीं घूम रहे होंगे, तो चलो भैया इनको निपटा देते हैं। फिर अब भाई मुझे राइट में लेफ्ट में हर जगह बंदे दिखने लग गए इन्हीं के, और ये लोग जा रहे थे रुइंस पर। अब यहाँ पर मैं समझ लो एक टाइप से मौत के कुएं के अंदर आकर फंस गया। तो पहले मैं सोच रहा था ना यहाँ गाड़ी रोक लूँ, बट फिर मैंने सोचा यार आगे पीछे हर साइड से पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और अच्छा हुआ मैंने नहीं रोकी, क्योंकि यहाँ से मैंने इन्हें बहुत ही ईजिली क्लियर करूँगा और बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो देखो अब क्या होता है। तो भाई पहले मुझे लग रहा था ये लोग एक बंदा होंगे, दो लोग होंगे, तीन लोग होंगे, बट ये तो पूरी की पूरी स्क्वाड निकलेगी अभी देखना। तो यहाँ से मेरे को किसी भी बंदे को मारने का एंगल नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा नहीं भैया यहाँ से तो मार ही नहीं पाऊंगा, अगर बाई चांस मार भी देता हूँ तो वो लोग बहुत ईजिली रैप हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 90 डिग्री रोटेट मारते हैं और फिर पेलते हैं इन्हें। तो भाई साहब इन चारों की तो यहाँ पर हमने बत्ती लगा दी। अब इन चारों को आराम से मैंने कहा चलो भैया लूटते और निकलते अपना दूसरी स्क्वाड से फाइट लेने। अब उनके पास तो मुझे M249 AWM मिल गया था। अब मैंने कहा चलो भैया बहुत ही बढ़िया लूट मिल गया। मैं यहाँ से जा ही रहा था तभी लेफ्ट से फायरिंग आ गई और लोंडे ओपन में घूम रहे थे, तो मैंने कहा लो भैया अब निपटाएंगे मजे से इन्हें। ने इस बंदे को तो नॉकडाउन कर दिया था और बेचारे का नाम था एंड गेम। अब इसकी स्क्वाड के साथ भी वही ऐसा ही कुछ होने वाला है। और मैंने देख लिया था कि ये लोग किसी ऐसे बंदे से फाइट ले रहे हैं जो कि कहीं पीछे घास वास में पेड़ के पीछे है, तो मुझे वो बंदा भी दिख गया और मेरे को इतना तो पता था भैया स्क्वाड हाउस में भी बंदे बैठे हैं, तो मैंने यहां पर नेडिंग शुरू कर दी। अब देखना कि जैसे एक नॉक होगा मैं सीधा रश कर दूंगा।
अब रैप्टा तो हमने दे दिया था भैया पीछे वाले बंदे के, तभी थोड़ी देर में सामने हिल पर भी एक स्क्वाड आ गई जो कि गाड़ी लेकर गई थी, तो भैया इनको भी निपटाएंगे, बट यहाँ पर एक गड़बड़ होगा वो आपको मैं आगे बताता हूँ। जो सिचुएशन थी यार ये फाइट लेने लायक थी नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ एमो एंड आर्मर्स था, क्योंकि अगर मैं किसी भी बंदे को नॉकडाउन करता तो वो बहुत ही इजीली यहाँ पर रैव हो सकते थे, क्योंकि यार उनके पास पूरा अपहिल है, वो डाउन में चले जाते और मेरे को दिखते भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं भैया यहाँ से नहीं मार पाऊंगा मैंने, क्योंकि जितनी बार भी मारूंगा ये लोग आराम से रिवाइव हो जाएंगे, हील कर लेंगे, और अगर मेरे को मारते बाय चांस तो मैं तो भैया भाग भी नहीं पाऊंगा ढंग से। तो मैंने कहा रुको भैया चला लो गोली चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ बातचीत करने। तो अभी मैं इनकी पहले ना, अभी क्या था इसका लेवल हाई था, अभी अपना लेवल लो था, एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी पहले लेवल बराबर करते हैं फिर फाइट लेंगे। तो इन बिचारों को भी यार हमने यहाँ पर गदर वाला ही निपटा दिया। अब इनको निपटा कर जैसे ही मैं आगे जाऊँगा वहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिखेगा और वहाँ पर मेरे को बंदे भी दिख जाएंगे, तो उनको भी तुरंत ही हेडशॉट पे हेडशॉट देके उन्हें भी निपटा देंगे। तो गाइस कभी कभार मैं भी बहुत ज़्यादा नूबड़ापंती कर देता, मतलब कि खुद ही वहाँ पर नेट डाला था और खुद ही जाके चढ़ गया, तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, अच्छा हुआ बच गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले वीडियो है जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आपने इतना सपोर्ट करा और हम इस काबिल पहुंच पाए कि हमें YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिला। तो गाइस थैंक यू सो मच यार, आप जल्दी से 2 लाख भी करवा दो, कंप्लीट होने वाले हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।